हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनवी के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में है, ये इसका पहला भाग है। इसमें हम उसकी जो सिद्धांत रहे हैं कि किस प्रकार से इस सभ्यता, संस्कृति, चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत के अंतर्गत काम करती है और कैसे उनका पतन होता है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप ये वीडियो एंड तक देखिए, इससे आपको बहुत सारी जो नॉलेज है टॉयनवी के बारे में, उनका जो सिद्धांत है उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉयनवी का जन्म, सबसे पहले यहाँ पर हम उनका जीवन चरित्र देखते हैं कि कैसे जीवन चरित्र रहा है, क्योंकि जीवन चरित्र से ही व्यक्ति का जो लेखन कार्य है वो उभर कर सामने आता है। तो यहाँ पर जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करते हैं। टॉयनवी का जन्म 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में लंदन में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हैरी वाल्पी टॉयनवी और माता का नाम एडिथ टॉयनवी था। उनकी माता ने स्कॉटलैंड के इतिहास के वास्तविक कथानक लिखकर अपना बड़ा नाम कमाया था। बचपन से ही टॉयनवी ने अपनी माँ से ब्रिटेन के इतिहास की जानकारी प्राप्त की थी। यह विनचेस्टर और फिर बेबिलोन के विद्यालयों में भेजा गया, जहां उसने यूनानी और लैटिन साहित्य का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया। 1896 से 1911 ईस्वी तक उसने प्राचीन रोमन संस्कृति और इतिहास का अध्ययन किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत से ही जो कल्चर है, जो संस्कृतियाँ हैं, उनका अध्ययन वो शुरू करते हैं। आगे देखते हैं, इससे उसका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक हुआ और इस बात की जानकारी मिली कि वर्तमान संस्कृति के अतिरिक्त विश्व में अन्य संस्कृतियाँ भी रही हैं जो उत्पत्ति और विकास के छह के व्रत को पूरा करती हैं। यानी जब उन्होंने अध्ययन किया तो उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि आज जो संस्कृति है उससे पहले भी संस्कृतियाँ रही होंगी और एक विकास का जो क्रम है वो चला होगा और इसी विकास के क्रम में कुछ संस्कृतियाँ जो हैं उनका पतन हो गया और पतन होने के बाद एक नई संस्कृति का जन्म होता है। आगे देखते हैं, 1908 से 9 ईस्वी में यूरोपीय इतिहास की जटिल और परंपरागत घटनाओं ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि कोई राजनीतिक या राष्ट्रीय इकाई वस्तुतः ऐतिहासिक नहीं हो सकती। 1911 में अपनी शिक्षा समाप्त करके टॉयनवी एक वर्ष के लिए अंग्रेजी पुरातत्व विभाग की ओर से एथेंस और रोम की पुरातन सामग्री का अध्ययन करने के लिए यूनान गए। वहाँ उन्होंने एक वर्ष तक पैदल यात्रा की और प्रसिद्ध प्राचीन स्मारकों को देखा। 1912 में इंग्लैंड वापस लौटे, वह बेलियोल में अध्यापक नियुक्त हुए। वहां वह यूनानी इतिहास पढ़ाते थे। 1915 में टॉयनवी विदेश मंत्रालय के राजनीतिक अनुसंधान विभाग में मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त हुआ। 1919 में संधि सम्मेलन में अंग्रेजी शिष्टमंडल की विदेशी शाखा के तुर्की विभाग के सचिव के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसका प्राच्य यूरोप और उस्मानी राज्य संबंधी ज्ञान अद्वितीय था। तो हमने देखा कि किस प्रकार से टॉयनवी का जो जहाँ पर उनका जो कार्यस्थल था उसमें भी विभिन्न संस्कृतियों से वो उनका रूबरू होता है और इससे उनकी एक जो प्रखर नॉलेज है, ज्ञान है, उसका विस्तार होता जाता है। अब आगे देखते हैं, 1919 से 1924 तक टॉयनवी लंदन विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज में यूनानी भाषा का प्राध्यापक थे। इसी बीच में एक वर्ष तक उसने मैनचेस्टर गर्जियन नामक पत्र में संवाददाता के रूप में यूनान की यात्रा की। 1925 में वह शाही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान का संचालक नियुक्त हुआ। 1939 में 90 से 1946 ईस्वी तक वो विदेश मंत्रालय के अनुसंधान विभाग का निर्देशक भी रहे हैं। टॉयनवी
ने कई बार विश्व भ्रमण किया है तथा इतिहास के वैभव पराभव को देखा है। प्राचीन स्थलों तथा भवनों के दर्शन ने उनकी इतिहास दृष्टि को सजगता, सचित्रता और सर्वांगीण प्रदान की है। इसके अतिरिक्त उनका जो यूनान, लैटिन और पश्चिमी भाषाओं का मौलिक अध्ययन गंभीर और विशाल था। तो हमने यहाँ पर देखा कि उनको सिर्फ प्राचीन स्थल ही भवन ही नहीं, इसके अलावा उनको बहुत सारी यूनानी, लैटिन भाषाओं का भी अध्ययन और जो ज्ञान था वो काफ़ी अच्छा था। अब इनकी बुक के बारे में देखते हैं। ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट, यूनानी इतिहास चिंतन, तुर्की और यूनान में पश्चिमी प्रश्न, द वेस्टर्न क्वेश्चन इन टर्की एंड ग्रीस, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन, इसके बारे में ही हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे आगे। यहाँ पर और देखते हैं, वार एंड सिविलाइजेशन, युद्ध और सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, सभ्यता की परीक्षा, ए हिस्टोरियन अप्रोच टू रिलीजन, डेमोक्रेसी इन एटॉमिक एज, ईस्ट एंड वेस्ट, ए जर्नी राउंड द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से इनकी ये पुस्तकें थी। जो मेन पुस्तक है वो है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक से देखेंगे। इनकी जो ख्याति का मुख्य कारण था वो इतिहास अध्ययन, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो 12 भागों और 10 जिल्दों में है। यह इतिहास का विश्वकोश है। इसमें संपूर्ण मानव इतिहास को एक नवीन दार्शनिक और समन्वित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। मतलब उन्होंने ये माना है कि जो संपूर्ण विश्व है वो एक ही दर्शन और एक ही समन्वय दृष्टिकोण के अंतर्गत है, और इसी को उन्होंने व्याख्या दी है। आगे देखते हैं, टॉर्नवी के युग की जो प्रमुख विशेषता है वो है राष्ट्रीय राज्य की भावना का उच्छेद और उनके स्थान पर विशाल धंधों का जन्म। पश्चिमी यूरोप में 19वीं सदी में भाषा, जाति, धर्म, सांस्कृतिक भूगोल आदि की एकता पर आधारित राष्ट्रों को राजनीतिक इकाई मान लिया गया था। 1918 तक यह व्यवस्था सर्वमान्य रही, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की सामाजिक एकता का पक्ष सामने आया, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो राष्ट्रीय राज्यों की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, अमेरिका और रूस विश्व की महान शक्तियां बन गए। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रवाद के स्थान पर एक प्रकार से महाद्वीपवाद का प्रसार हुआ। इस वातावरण के प्रतिबिंब स्वरूप टॉयनवी ने इतिहास की इकाई राष्ट्र को न मानकर एक अधिक विशिष्ट क्षेत्र को माना है। उसका नाम सभ्यता रखा। टॉयनवी के शब्दों में, सभ्यता से मेरा अभिप्राय ऐतिहासिक अध्ययन का वह लघुतम भाग है जिस पर अपने देश के इतिहास को समझने की चेष्टा करते समय मनुष्य की दृष्टि पहुंचती है। एग्जाम्पल, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास को जानने के लिए उसके मुख्य लक्षण जैसे कि संघीय राज्य, प्रतिनिधित्व राज्य, जनतंत्र, उद्योगवाद, इन सभी को समझना आवश्यक है। इन सभी को समझने के लिए अमेरिकी परिधि के पार पश्चिमी यूरोप तथा उनके उपनिवेशों को इतिहास को जानना आवश्यक है। अतः पश्चिमी यूरोप ऐतिहासिक इकाई है, ऐसा टॉयनवी का मानना है। टॉयनवी ने वर्तमान जगत को 5 सभ्यताओं में विभक्त किया है, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, इस्लाम, भारत, सुदूर पूर्व जगत। ये प्राचीन सभ्यताएँ भी क्रमशः मिनोअन, बेबीलोन, हित्ती सभ्यताओं पर आधारित हैं। ये पांच, मतलब उनका ये कहना है कि ये जो 5 सभ्यताएं हैं इससे जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे ही कनेक्ट या फिर उन्हीं पर आधारित है। ये 5 सभ्यताएं ऐसी हुई कि इनका आविर्भाव तो हो गया किंतु परिस्थितियों ने इनकी प्रगति को रोक दिया। टॉयनवी ने केवल 3 सभ्यताओं की विशेषता निश्चित की है, यूनानी सभ्यता जो रस प्रधान है, भारतीय सभ्यता को धर्म प्रधान माना है, पश्चिमी सभ्यता विज्ञान प्रधान माना है। आगे, टॉयनवी का उपयोग सिद्धांत कपोल कल्पित है, यहाँ पर उनकी आलोचना की जाती है। जैसे एग्जांपल, यूरोप के इतिहास में यूनानी
रोमी संस्कृति और जीवन शैली के क्षय यानी पतन और आधुनिक यूरोप की संस्कृति और जीवन शैली के आविर्भाव की विचार पद्धति ठीक बैठती है। इन दोनों संस्कृतियों को पृथक करने वाला एक मध्य युग बीच में आ जाता है, किंतु अन्य समाजों के विषय में यह स्थापना युक्ति संगत नहीं जचती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है टॉयनवी की आलोचना भी की जाती है। अब अगला देखते हैं, टॉयनवी की सभ्यता की व्याख्या अस्पष्ट है। सभ्यता और आदिम समाज के बीच उसने जो अंतर बताया यह स्पष्ट नहीं है। अब यहाँ पर जो हम इतनी देर से सभ्यता सभ्यता संस्कृति कर रहे हैं, तो सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति का हमें अर्थ समझना चाहिए कि सभ्यता और संस्कृति है क्या। तो जो सभ्यता है वो भौतिक परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है, और जो संस्कृति है वो हमारे मानसिक परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए सभ्यता में जो भी भौतिक चीज़ें हो रही हैं, कोई भी पदार्थ धीरे धीरे बदल रहा है, भौतिक चीज़ें मतलब जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, फिर बाद में बदलते बदलते यही हमारे मन मस्तिष्क में इतनी छाप छोड़ जाती हैं कि अगर हमें वो दिखाई भी नहीं देती हैं तब भी हम उस चीज़ को मानने लगते हैं, तो वो है संस्कृति। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी धारणा है कि समाज स्थिर और जड़ता को छोड़कर प्रगतिशील और चैतन्य की प्रवृत्ति ग्रहण करता है। यह नियम अनेक स्थलों पर लागू होता है और कहीं पर लागू नहीं होता है। टॉयनवी स्वयं सीमाओं को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि ऐसा कोई अज्ञात तत्व इतिहास में काम करता है जो योद्धाओं और अभिनेताओं के ज्ञान के बाहर होता है। यहाँ पर वो जो बात कर रहे हैं वो देवीय तत्व की बात करें कि अगर अज्ञात तत्व हम जैसे कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती ना, तो हम क्या क्या कहते हैं, ये ईश्वर की ही इच्छा है, क्योंकि हमें वो चीज़ समझ ही नहीं आई कि वो चीज़ हुई कैसे, कैसे वो चीज़ उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर वही छुपा हुआ जो तत्व है वो ईश्वर की कृपा या फिर देवी तत्व ही यहाँ पर इंगित होता है। यह तत्व कार्यकर्ताओं पर परीक्षा का जवाब है, मतलब वो उनका टॉयनवी का ये एक मानना है कि जब कोई अज्ञात तत्व इतिहास में काम करता है तो जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं आगे आने वाले लोग जो उस पर रिसर्च करेंगे, तो उनको इन सब के बारे में ही देखना है कि जो अज्ञात तत्व है वो है क्या, वास्तव में है क्या, क्योंकि जिस टाइम ये लेखन कर रहे हैं उस समय उन्हें अज्ञात तत्व नजर आ रहे हैं, लेकिन यही आज से 200 साल बाद अगर इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो जो अज्ञात तत्व है वो सामने आ जाता है। आगे देखते हैं, यह मनोवैज्ञानिक स्थिति नाप तौल के योग्य नहीं होता, अतः वैज्ञानिक दृष्टि से यह पहले से नहीं बताया जा सकता। इस प्रकार टॉयनवी यह मानता है कि सभ्यता के उद्गम और विकास की प्रक्रिया रहस्यमयी है। अगला देखते हैं, टॉयनवी के मतानुसार कठोर दुर्गम भूमि, नए देश, अज्ञात दबाव और दंड की यातना से मनुष्य में चुनौती का सामना करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति के द्वारा मनुष्य चुनौती का उत्तर तो देता ही है, साथ ही एक नई चुनौती को अपने सामने खड़ा कर लेता है। यानी कि जैसे कि एक कोई गरीब घर का लड़का है, उसके पास बहुत सारे सोर्स नहीं है पढ़ाई के, लेकिन उसके मन में जो है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, तो फिर वो कितनी भी दुर्गम कठोर या फिर कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी वो उन सब को पार करते हुए और अपने सामने एक नई परेशानी या चुनौती को सामने रखते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो सभ्यता का भी इसी प्रकार से ये हाल होता है। आगे देखते हैं, मनुष्य को उस दूसरी चुनौती का उत्तर देना पड़ता है। चुनौती के इस प्रकार क्रमशः सफल उत्तर देने की प्रवृत्ति का नाम विकास है। अब जैसे एक बच्चा उसकी इच्छा है कि बहुत पढ़े और फिर वो अपनी चुनौतियों को सामना करते हुए वो पढ़ता है और फिर इस प्रकार से वो धीरे 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 डेवलप होता जाता है, मतलब उसको जो परेशानियाँ आएंगी उसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो उस बच्चे में डेवलप हो जाएंगी। उसी प्रकार से सभ्यता जो है अगर उसमें बहुत सारे बैरियर या फिर बहुत सारे चुनौतियाँ आती हैं तो उसको समाप्त करने में वो क्या होगी, ग्रोथ करेगी।
चुनौती का सफल उत्तर देने के लिए मनुष्य को अपने भीतर आंतरिक संतुलन स्थापित करना पड़ता है। अब जैसे आंतरिक संतुलन का मतलब अपने आप को एक जगह इतना संतुलित करना है कि हमें किसी बाह्य चीज़ से प्रभावित नहीं होना है, तभी हम उस चीज़ को आगे बढ़ पाएंगे। उसका नाम नियमन है, यानी आत्मनियमन है। इस आत्मनियमन की प्रवृत्ति के बाह्य रूप का एक कम जटिल और अधिक समूत्र जीवन शैली का आविर्भाव होता है। इस प्रवृत्ति को सूक्ष्मीकरण कहते हैं। सभ्यता का विकास सृजनात्मक व्यक्तियों और वर्गों का कार्य है, जो जनता के सामान्य स्तरों को अपनी प्रतिभा के आकर्षण द्वारा अपनी ओर खींच लेते हैं। ये सृजनात्मक व्यक्तित्व और वर्ग नियमन और प्रत्यागमन की प्रक्रिया द्वारा कार्य करते हैं। ये कुछ समय के लिए संसार से अलग हो जाते हैं और शक्ति संचय करते हैं, और फिर संसार में वापस आकर अपूर्व वेग से सृजन कार्य में संकलित हो जाते हैं। यानी यहाँ पर पुनर्जन्म जैसा यहाँ पर तथ्य दिया है कि संसार से वो अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आधुनिक भारत में देखते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी का उद्भव होता है और किस प्रकार से वो चीज़ों को संभालते हैं, आंदोलन करते हैं, और फिर जब हमें आज़ादी मिल जाती है तो किस प्रकार से उनकी मृत्यु तुरंत ही हो जाती है। तो यहाँ पे जो महापुरुषवाद सिद्धांत है वो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि इंसान एक व्यक्ति संसार से अलग हो जाता है कुछ समय के लिए, और फिर शक्ति संचय करते हैं और फिर संसार में वापस आ जाते हैं, और फिर आने के बाद वो उतने ही उत्साह से सृजनात्मक तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। आलोचकों का कथन है कि टॉयनवी का सृजनात्मक व्यक्तित्व का सिद्धांत कार्लाई, विलियम जेम्स, W.H. डेविस आदि के वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप सिद्धांत के अनुकूल है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शक्ति संचय का दर्शन सन्निहित है, जो नीत्शे की विचारधारा का आधार बना है और वर्तमान कालीन तानाशाही और राज्यवाद का स्तंभ सिद्ध हुआ है। इससे इतिहास के सामाजिक आधार की अवहेलना की गई है। आगे देखते हैं, टॉयनवी के अनुसार सृजनात्मक व्यक्तियों की प्रतिभा जब जनता को आकृष्ट करने में असफल हो जाती है तो सभ्यता का विकास रुक जाता है। अतः आरंभ से सभ्यता के विकास में ह्रास की प्रक्रिया मौजूद होती है। यानी कि यहाँ पे बताया है कि जब कोई भी संस्कृति या सभ्यता है, अगर उस संस्कृति में व्यक्तियों को सृजनात्मक या आकर्षित करने की जो क्षमता है वो नहीं रहेगी, तो उससे क्या हो जाएगी, जो हमारी संस्कृति या सभ्यता है वो लुप्त हो जाएगी। टॉयनवी के शब्दों में विकासशील सभ्यता का क्रम एक संकटपूर्ण प्रक्रिया है। यह संकट निरंतर और गंभीर है क्योंकि यह उस पथ की वास्तविक प्रकृति में सन्निहित है जिस पर प्रत्येक सभ्यता को चलना है। इस प्रकार प्रत्येक सभ्यता क्षीण और नष्ट होने के लिए उत्पन्न होती है और अंततः अतीत के अंधकार में विलीन हो जाती है। विकास की अवस्था के बाद ह्रास और पतन शुरू हो जाता है। इस ह्रास और पतन की प्रक्रिया से संगठन और विघटन का क्रम चलता रहता है। कभी सभ्यता कुछ संभल जाती है, फिर गिरने लगती है, फिर कुछ संभल जाती है, और अंत में जब उनकी शक्ति नष्ट हो जाती है तो गिरकर उठती नहीं है। यदि विकास काल में संगठन मान लिया जाए तो उसके अनंतर जो विघटन होता है वह है संकट काल है। इस संकट काल के बाद फिर एक संगठन आता है जिसका नाम विश्वजनीय राज्य है। यानी स्टार्ट होती है सभ्यता, फिर एक ऐसा समय आता है कि यहाँ पर पतन होने लग जाता है, और फिर जब पतन होने है फिर वो उठता है, फिर वो समाप्त होता है, फिर गिरता है। तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है, और इसमें ही विश्व जनित यानी यूनिवर्सल स्टेट का जो जिसका नाम यूनिवर्सल स्टेट है। किंतु इस संगठन के बाद फिर
विघटन होने लगता है। इस हास और पतन की प्रक्रिया की प्रमुख प्रवृत्ति एकता का भाव होता है, जो विकास काल की प्रमुख प्रवृत्ति विविधता के भाव से भिन्न है। सार्वजनिक भाषा का प्रचार, धार्मिक समन्वय का प्रचलन, काल साहित्य की मिश्रित शैलियां की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का आगमन उस एकता के भाव के परिचारक होते हैं, जो हास और पतन के काल में सभ्यता को आवृत कर लेते हैं। तो वही सभ्यता जैसे ही जन्म हुई है तो ये मान के हमें चलना चाहिए कि उसका पतन एक समय पर हो जाएगा। अगर उसने चुनौतियों का सामना कर लिया तो फिर वो सभ्यता समाप्त नहीं होगी, बल्कि वो और दूसरी दिशा में मुड़ के फिर वो डेवलप होती जाएगी। टॉयनवी द्वारा प्रतिपादित एकता की प्रवृत्ति और पतन की प्रवृत्ति का समीकरण उसके दर्शन की बड़ी दुर्बलता है। वस्तुतः राष्ट्र और समाज के विकास का प्रत्येक अवस्था में एकता और समानता की निरंतर प्रवृत्ति सदैव कार्यशील रहती है। टॉयनवी युद्ध और हिंसा को हास और पतन के लक्षण मानता है, यानी जो युद्ध और हिंसा है उससे हास मतलब पतन हो जाता है। तो हम वो कहता है युद्ध लाभकारी नहीं है सभ्यता के लिए, परंतु ये भी सत्य है कि बहुत से सार्वभौम राज्यों का जन्म भीषण नरसंहार द्वारा हुआ है, किंतु इन राज्यों ने उस संहार लीला को रोकने की अनेक सफल चेष्टाएं की हैं। अतः ये राज्य हास और पतन को रोकने में बहुत सफल हुए हैं। इनकी एकता की प्रवृत्ति को पतन का चिन्ह मान बैठना भ्रांति मूल है। तो उनका ये मानना है टॉयनवी का कि कैसे युद्ध और जो हिंसा है वो सभ्यता के पतन का कारण बनती है, लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि कई बार ये भी देखा है कि भीषण जन नरसंहार होने के बावजूद भी सभ्यता कई दिनों तक कई सालों तक वो चलती रहती है, और बल्कि आगे जाके एक नई सभ्यता को वो जन्म भी देती है। तो यहाँ पर इनकी ये सही इनका सिद्धांत नहीं है। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। इसका जो और भी जो संस्कृति से संबंधित या सभ्यता से संबंधित जो भी विचार हैं वो अगले वीडियो में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर जिसको भी PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।